स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री प्रणाम करती है आप सभी लोगों को नमस्कार। और असम से होने के नाते पिछले 17-18 साल से जो भोजपुरी संगीत संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हूँ हर एक शब्द जैसे संगीत से ही मुझे मिला। छठ के बारे में जानकारी संगीत से मिला, पचरा क्या है ये जानकारी संगीत से, मैं सब कुछ पूर्वी खासकर सोनपुर की अगर छपरा की बात मैं करूँ तो वो सब गायन सब जगहों के नाम संगीत के जरिए ही मुझे मिला। और आज इस मंच पे आने का मुझे अवसर दिया गया जिला प्रशासन को खास धन्यवाद। आशुतोष जी है सामने, आप सब सभी के मार्फत मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ। सोनपुर मेला हमने कभी नहीं देखा, मुझे बहुत अफसोस है। मैं चाहती थी, मेरे दो बेटे हैं उनका एग्ज़ाम चल रहा है, मैं चाहती थी एक दिन पहले आऊं और बच्चों को मैं दिखाऊं, खुद भी नहीं देखी। और मैंने सुना है कि एशियाज लार्जेस्ट फेस्टिवल कैटल फेस्टिवल एंड कितने सालों से एक ऐतिहासिक ये एक मेला है। और साथ में गज और ग्राह के बारे में जो उपाख्यान है, हम लोग उपाख्यान बोलते हैं आसाम में प्रजावली भाषा में, बहुत कुछ गाई हूँ गज और ग्राह के ऊपर, लेकिन वो धरती वो साक्षात यहाँ करने को मिलेगा वो मुझे पता नहीं था। मैंने सुना है कार्तिक महीने में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है और यहाँ गंदक और गंगा जी की संगम स्थल है और स्नान का बहुत खास महत्व है। तो मैं अगला जो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो भिखारी ठाकुर जी जो भोजपुरी के शेक्सपियर नाम से जाने जाते हैं उन्हीं का एक रचना गंगा स्नान
मैं गाने जा रही हूँ। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।